ये मारुति सुजुकी विटारा VXI गाड़ी है, जिसमें आपको कॉटन फिनिश दी गई है। चारों डोर पावर विंडो मिलते हैं ऑटो के साथ, लॉक अनलॉक शीश को लॉक कर सकते हैं। बोतल रखने का स्पेस दिया गया है, साथ में स्पीकर मिलते हैं। राइट साइड में आपको हेडलाइट लेवलिंग के, मिरर फोल्डेबल के कंट्रोल्स दिए गए हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के भी ऑन ऑफ के स्विचेस मिल जाते हैं। और इसमें आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन क्रोम फिनिश के साथ दिया गया है। राइट साइड में एसी वेंट्स, MID में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसमें आपको क्लॉक बताएगा, किलोमीटर बताएगा और फ्यूल भी शो करेगा। कुछ वार्निंग लाइटें भी दी गई हैं इसमें। ये आपको स्टीयरिंग व्हील पे आपको ऑडियो कंट्रोल्स दिए गए हैं, फोनी कंट्रोल्स नहीं मिलते। SRS एयरबैग इसका मोनोग्राम क्रोम फिनिश के साथ मिलता है। राइट साइड में हेडलाइट के, लेफ्ट में वाइपर के कंट्रोल्स, दो AC वेंट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश दी गई है और ये इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको मिलेगा विटारा VXI में। USB ऑक्स के ऑप्शन यहाँ मिल जाते हैं। ये आपको वैगनार में भी यही इंफोटेनमेंट सिस्टम, इसमें आपको नया इंफोटेनमेंट सिस्टम आया है विटारा में जो आप देख रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा इंफोटेनमेंट सिस्टम दे दिया गया है, सिल्वर फिनिश और क्रोम फिनिश मिलेगी आपको इसमें। तो ये कंपनी फिटेड है ये इंफोटेनमेंट सिस्टम। और ये यहाँ आपको ऑटो AC मिलता है। नीचे आएंगे तो 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दिया गया है। और ऑटोमेटिक गाड़ी है तो कुछ ऐसे ही मिलेगा, रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव। मैनुअली ड्राइव करने के लिए इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ये ऑटोमेटिक गाड़ी है। तो ऐसे ही मिलेगा ऑटोमेटिक गाड़ी में। यहाँ पे कंट्रोल्स दिए गए हैं, पार्किंग पे आप रख सकते हैं गाड़ी को। जैसे कि अब ये पार्किंग मोड पे है, रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव और L यानी लोड। यहाँ पे आपको बोट रखने का स्पेस दे दिया गया है, कप होल्डर का स्पेस मिल जाता है। दोनों की रिमोट मिलेगी आपको, देखिए लॉक अनलॉक कर सकते हैं। इसका मोनोग्राम क्रोम फिनिश के साथ मिलता है। यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक लीवर क्रोम फिनिश के साथ मिलता है। एक SRS एयरबैग और दिया गया है। यहाँ पे आपको अपर में भी स्पेस मिल जाता है सिल्वर फिनिश, लोअर में भी स्पेस मिल जाता है। ये वाला डोर भी आपको पावर विंडो दिया गया है। बोतल रखने का स्पेस मिलेगा, स्पीकर मिलते हैं। अपोस्ट्री आपको ब्लैक ही मिलेगी। हेडरेस्ट आपको इसमें दिए गए हैं। और इसमें आपको फ्रंट में सनवाइजर दिया गया है, IRVM डे नाइट है। ड्राइवर साइड सनवाइजर मैंडेटरी मिरर के साथ दिया गया है, ग्रिप असिस्टेंट। तो फ्रंट डोर का इंटीरियर आपने देख लिया, चलते हैं रियर डोर का इंटीरियर भी देख लेते हैं। ये रियर डोर का इंटीरियर है, कॉटन फिनिश दी गई है। बोतल रखने का स्पेस दिया गया है, साथ में स्पीकर मिलते हैं, चार स्पीकर मिलेंगे। ये सीट के पीछे आप 3 kg तक का सामान कैरी कर सकते हैं, उसके लिए हुक दिया गया है। हेडरेस्ट आपने देख लिया और बोतल रखने का स्पेस दिया गया है। लगन बहुत ही बढ़िया है, SUV गाड़ी है। फ्रंट डैशबोर्ड की लुक तो कुछ ऐसा लगता है फ्रंट डैशबोर्ड आपको देखने में। मैं रियर पैसेंजर सीट पर बैठा हूँ तो मैं फ्रंट डैशबोर्ड की एक लुक देता हूँ, कैसा लगता है आपको फ्रंट डैशबोर्ड देखने में। तो ये फ्रंट डैशबोर्ड आपको कुछ इस लुक में लगेगा देखने को। इंफोटेनमेंट सिस्टम नया मिलेगा आप इसमें आप देख रहे हैं। क्रोम की गार्निश भी दी गई है इसके साथ ही। और यहाँ आपको रीडिंग लैंप मिल जाता है, ग्रिप असिस्टेंट दिए गए हुक के साथ, ग्रिप असिस्टेंट हुक के साथ मिल जाते हैं। यहाँ पे पीछे कुछ स्पेस दिया गया है, पेपर वर्क रख सकते हैं। यहाँ पे भी स्पेस मिल जाएगा पेपर वर्क रखने के लिए। तो ये वाला डोर भी आपको पावर विंडो दिया गया है और बोतल रखने का स्पेस दिया गया है, साथ में स्पीकर मिलते हैं। अपोस्ट्री आपको ब्लैक ही मिलती है। हेडरेस्ट इसमें दिए गए हैं। इसमें आपको रियर पार्सल ट्रे नहीं मिलेगी, देख रहे हैं आप। चलिए बैक डोर खोल लेते हैं, बूट स्पेस भी देख लेते हैं कैसा बूट स्पेस मिलता है। इसमें आपको रियर पार्सल ट्रे नहीं मिलेगी, देखिए रियर पार्सल ट्रे नहीं मिलती। यहाँ पे स्पेस मिल जाएगा, यहाँ पे भी स्पेस मिल जाएगा, हुक दिया गया सामान कैरी करने के लिए। MRF के टायर मिलेंगे जिनका साइज 16 इंचेस का ही है। यहाँ पे चाइल्ड सेफ्टी, यहाँ पे हुक दिया गया है तो यहाँ से आप चाइल्ड सेफ्टी शीटें लगवा सकते हैं, उसके लिए हुक यहाँ पे दिया गया है। एंकर पॉइंट दिए गए हैं इसके। यहाँ पे आपको लाइट वगैरह नहीं मिलेगी, वो टॉप मॉडल में मिलती है, लगेज रूम लाइट वगैरह। तो इंटीरियर आपने देख लिया इसका, इंटीरियर में जो चेंजेस किए गए हैं देख लिया आपने।
बूट स्पेस काफ़ी अच्छा है इसका, डिफोगर मिल जाएगा आपको इसमें। तो यही था इस वीडियो में, सीट बेल्ट पहनिए, हेलमेट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।